से बंधी दो। मुझे लगा कल आपने जो किया वो आपकी अच्छाई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो आपकी एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। एनीवेज, आई ने मिठाई भेजी थी आपके लिए। तुझे शर्म नहीं आई अपने पति को कमरे से बाहर करते हुए? अगर तुझे तकलीफ हो रही थी तो तुझे जाना चाहिए था ना कमरे के बाहर। सासू भाई, ये सवाल अपने बेटे को काहे को नहीं पूछा? हा? वो काहे को कमरे के बाहर निकला, चांद तारे के नीचे सोने को जा छत पे? हाँ, जब देखो तब गलत इंसाफ करते रहते हो, गलत इंसान की वाट लगाती रहती हो। तुम गलती किया तुम्हारे बेटे ने, पुलिस पकड़ के लेके गई तुम्हारे बेटे को, डंडे खाया तुम्हारे बेटे ने, पछाया तुम्हारी सुनबाई ने, और बाद में उसको ही सुनाती हो। काय औरत आए रे तुम? प्रभु, मैंने तुझसे सलाह मांगी, तू चुप रह। बोलना है उसकी बोलती बंद हो गई है। अरे अब खड़ी क्या है, बोल कुछ। मैंने उससे कुछ नहीं कहा था, बाहर चले गए और फिर हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ था, वो तो बस जो नहीं था। बस बहुत हो गया, अब नीता पे उंगली उठा रही है। अबे मतलब तूने अभी तक बिल्ली मारी नहीं? अरे ऐसा बोल यार, आजू बाजू वाले लोग सुन लेंगे। मतलब अभी तक कोई स्वागत नहीं है? अरे कल रात एक हंगामा हो गया था यार घर के पास, मूड ऑफ हो गया। ऊपर से अपनी की तबीयत ठीक नहीं थी। देख भाव, आज मैं तेरे को एक बात समझाता हूँ। ये जो बीवियाँ होती है ना, या तो इनके सर में दर्द रहता है या इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। बिल्कुल सही बोल रहा था। परवाह नहीं करने का, नो नेवर। और देख, जितनी जल्दी तू उसे अपने प्यार में ले लेगा ना, उतनी जल्दी वो तेरे आटे में आ जाएगी। समझ रहा है ना? देर मत कर भाऊ, वरना तेरे वो झोल अगर उसे पता चल गए ना। कौन सा झोल? इसका मतलब तो ये हुआ कि हम ही तमाशा कर रहे हैं। भास्कर को छत पे सुला दिया, बॉस को यहाँ बुला के तमाशा दिखा दिया कि देखो मेरा पति ऐसा है, मेरा परिवार ऐसा है, ससुराल ऐसा है। गली वालों को अपनी पावर दिखा दी कि देखो मेरी वजह से मेरा परिवार बच गया। और अब नीता भी उंगली उठा रही है कि नीता आवारा है, बदचलन है। क्यों? सोने की चेन जो मैंने गिरवी रखी थी उसके पैसे तो मेरे पास आ ही चुके हैं। सही, अब तो ये देखना कि अवनी की पगार वो भी एडवांस में मेरे पास ही आ जाएगी। पूछ कैसे? कैसे? वो ऐसे कि जब उसकी पगार आएगी तो मैं उसी पगार से उसकी आई की सोने की चेन जो है छुड़वा कर वापस लेकर आऊंगा। क्या बात है! ये करने से मैं अपने ससुराल में एक महान इंसान बन जाऊंगा। इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने। हेलो, नमस्ते जी। नमस्ते। सब कुशल मंगल है ना घर पर? सब ठीक ही है। अच्छा रखती हूँ जी। नहीं नहीं, मैं वो कह रही थी कि उस दिन दामाद जी को और अवनी को खाना अधूरा छोड़कर निकलना पड़ा। मैं सोच रही थी कल आप अगर हमारे घर खाना खाने आ जाओ तो। आप सोच रही हैं या हमें खाने पर बुला रही हैं? हेलो, हाय, या आई एम ऑन द वे। श्योर, थैंक्स, सी यू। एक काम कर, यहाँ से राइट टर्न ले, मॉल जा। मॉल? नजदीकी, मेरा काम भी वहीं हो जाएगा। वैसे लगता है तुमको कहीं पहुंचने की ज्यादा ही जल्दी। नहीं, गाड़ी सामने देखकर ठीक से चलाओ।